हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश टेक ब्लॉग। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वीवो V30 प्रो 5G। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी, सब बताऊंगा। वीडियो में बने रहे कंटिन्यू एंड तक। फ्रेंड्स, देख सकते हैं वीवो V30 प्रो का बॉक्स काफ़ी प्यारा लग रहा है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं को इंजीनियर विथ जाइज, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला जाइज कैमरा है। इसे फटाफट अनबॉक्स करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं, देख सकते हैं अंडमान ब्लू मेरे पास है कलर। करते हैं V30 प्रो का अनबॉक्सिंग। फिलहाल मैं फ़ोन को फिलहाल मैं साइड में रख रहा हूँ और बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारा सा केस मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे USB टाइप सी केबल, प्यारा सा सिम टूल और यहाँ पे चार्जर जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो प्यारा सा है बट 80 वाट का फ्लैश चार्जर है फ्रेंड्स। ये फाइनली फोन अनबॉक्स हो चुका है। मॉडल देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रिपल सेटर कैमरा दिया है विथ जाइज और यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स ऑरा लाइट वॉइस पोर्ट्रेट दिया है, जो कमाल का आपको नाइट में आपका फोटोग्राफी रहेगा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर की ओर यहाँ पे वॉल्यूम बटन दिया गया, पावर बटन। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं स्पीकर, USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, यहाँ पे सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर की ओर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स माइक्रोफोन विथ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा इसमें मिलने वाला, जो कमाल करेगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ बैक की बात करूँ तो यहाँ पे पोलराइट AG ग्लास दिया गया, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे छूने में लग रहा है। इन हैंड फील्स जो है फ़ोन का बहुत ही लाजवाब मुझे फील हो रहा है। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 6.78 इंच का लार्ज स्क्रीन दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। कमाल की बात है फ्रेंड्स, इसमें मिल रहा 1.5 के डिस्प्ले रिजोल्यूशन, जो कमाल करेगा। साथ ही फ़ोन ये मुझे काफ़ी स्लिम लग रहा देखने में। 7.45 mm का थिकनेस रहेगा, जो कमाल करेगा। साथ ही वेट भी बहुत ही लाइट वेट है, 188 ग्राम है, जो काफ़ी लाइट वेट है। और इसकी पिक ब्राइटनेस की बात करो तो यहाँ पे टोटल आपको मिलने वाला है 2800 nits का पिक ब्राइटनेस, जो काफ़ी आपको सनलाइट में भी जो nits मिलेगा काफ़ी ब्राइटर मिलेगा। धूप में भी आप रहोगे तो आप काफ़ी बेहतरीन का डिस्प्ले में जो आप डिटेल देख पाओगे। फ्रेंड्स फ़ोन का सेटिंग खोलते हैं और देखते हैं डिटेल क्या क्या दिया। सबसे पहले मैंने सेटिंग खोला, स्क्रॉल डाउन किया और आया अबाउट फ़ोन में। यहाँ पे देख सकते सबसे पहला चीज़ यहाँ पे दिया गया है फंटस OS 14 दिया गया है। यहाँ पे देख सकते प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया, जो क्लॉक स्पीड होगा 3.1 GHz का। डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिल रहा 8200 प्लस 8 GB का रैम, 8 GB तक रैम बढ़ा सकते हो। एंड्रॉयड 14 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी का। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा दिया गया, जो मेन कैमरा होगा 50 MP OS कैमरा, जिसमें सोनी का सेंसर दिया गया, IMX920 जायज का कैमरा रहेगा। जो सेकेंडरी कैमरा रहेगा वो भी 50 MP, इसमें वाइड एंगल दिया गया है 119 डिग्री के साथ, अल्ट्रा वाइड आप ले सकते हो। तीसरा कैमरा रहेगा 50 MP, जिसमें IMX816 का पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया, जो कमाल का रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे नीचे की ओर देखते हैं यहाँ पे ऑरा लाइट पोर्ट्रेट दिया गया है, जो कमाल का रहेगा, जिसमें आप स्टूडियो क्वालिटी ऑरा लाइट आप ले सकते हो नाइट में भी। मैं फ़ोन का कैमरा का सेटिंग खोलता हूँ और दिखाता हूँ डिटेल क्या क्या मोड्स अलग अलग आपका दिया हुआ है इसमें। फ्रेंड्स कैमरा का सेटिंग खोल गया। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ देखते हो नाइट मोड, जिसमें आप अल्ट्रा वाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे 0.6x का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। इन सेंसर जो 1x 2x 4x, मतलब 4x तक अभी आप फोटो लोगे तो बिल्कुल लॉस नहीं होगा, फोटो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देगा। मैं यहाँ पे 4x में भी आपको लेके एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया अभी देखते हो फ्रेंड्स डिटेल थोड़ा सा भी लॉस नहीं हो रहा, मतलब डिटेल आपको बहुत ही बेहतरीन देगा। और यहाँ पे डिजिटल जूम की बात करो तो यहाँ पे 20x तक डिजिटल जूम कर सकते हो, जो काफ़ी बेहतरीन होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्ट्रेट, इसका पोर्ट्रेट होने वाला है बहुत ही कमाल का, क्योंकि यहाँ पे 50 MP पोर्ट्रेट दिए, जिसमें सोनी का भी सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहला चीज़ दिखा सकता हूँ मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ इस पोर्ट्रेट में, बट 1x 2x पोर्ट्रेट मोड 4x पे करोगे तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ कितना डेप्थ में आपको फोटो लेना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे डेप्थ करने का ऑप्शन दे रहा है, आपको कितना में चाहिए, यहाँ पे आप कितना डेप्थ चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंस करेगा, देख सकते हो। और क्वालिटी तो काफ़ी बेहतरीन देगा। साथ ही आप यहाँ पे फिल्टर्स का भी ऑप्शन जो दिया हुआ, अलग अलग आप मोड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कमाल करेगा। फोटो की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल रहा है 0.6x,
जो काफ़ी लार्ज अल्ट्रा वाइड दे रहा है, जिसमें आप इन सेंसर जूम 1x, 2x, 4x तक आप इन सेंसर जूम कर सकते हो, जो बिल्कुल लॉस नहीं होगा फोटो। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल जूम आप 6x तक कर सकते हो। और यहाँ पे कमाल की बात है फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हो ऊपर की ओर जो यहाँ पे ऑरा फ्लैश लाइट ऑफ ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे ऑरा लाइट का ऑप्शन मिल रहा है। ऑरा लाइट में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे ही ऊपर नीचे करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कलर फ्लैश का जो चेंज हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा कलर यहाँ पे क्लिक करने पे, इससे आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। और काफ़ी सुंदर लगता है ऑरा फ्लैश, यहाँ पे देख सकते हो जो लाइटिंग जल रहा है काफ़ी बेहतरीन देगा। यहाँ पे दोनों चीज़ आपका जो वर्क कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश भी साइड में, यहाँ पे फ्लैश के सर्कल में भी ऑरा लाइट जल रहा है, और कॉर्नर टू कॉर्नर में यहाँ पे जो लाइट जल रहा है, ये आपका लो लाइट, रात में अगर फोटो क्लिक करोगे उस समय इस मोड का ऑन करके आप फोटो ले सकते हो, जहाँ बिल्कुल पूरा अंधेरा रहेगा वहाँ पर भी फोटो को क्लिक कर सकते हो इस मोड से। फ्रेंड्स वीडियोज़ का कमाल का होगा, सबसे पहला चीज़ देखते हैं यहाँ पे 0.6x का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, इन सेंसर 1x, 2x, 2x तक इन सेंसर जूम कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैक्स जूम आपका 10x जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इस पर आपको मिलेगा यहाँ पे वीडियो में, यहाँ जैसे ही वीडियो आप ऑन करोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन जो दिया गया है तीनों में आप 4K 60fps कर सकते हैं। इसमें पहला चीज़ तो फुल HD में 30fps 60fps दोनों दे रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो 30fps 60fps मिल रहा है फुल HD में। 4K में भी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 30fps 60fps मिल रहा है, जो काफ़ी स्टेबल फोटो आपका देगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑन करके भी आप फोटो ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड अल्ट्रा एंटी सेक वीडियो, यहाँ पे 9 सेक वीडियो बन जाएगा, जो काफ़ी कमाल का रहेगा। यहाँ पे माइक्रो फोटोग्राफी भी लिया हुआ है, यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आप बना सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सबसे पहले देख सकते हैं हाई रेजोल्यूशन का पैनोरामा HD यहाँ पे मिलेगा, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून, एस्ट्रो प्रो, यहाँ पे स्नैपशॉट मिल जाएगा आपको, फूड, डुअल व्यू कैमरा, लाइव फोटो के साथ ये आ रहा है। फ्रेंड्स फ्रंट कैमरा की बात करो तो यहाँ पे 50MP आई ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है। बट इसमें जो फ्रंट कैमरा है कमाल का इस बार है, फ्रंट से भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो 4K 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कमाल का एक्सपीरियंस आपको कराएगा। फ्रेंड्स मैंने एक फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लिया है, आपको डिटेल दिखाता हूँ कैसा दे रहा है। क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल लॉस नहीं होता डिटेल, थोड़ा सा भी एकदम जो डिटेलिंग बोलते हैं एक्चुअल डिटेल दे रहा है वीवो का। वीवो का जो क्वालिटी होता है कैमरा का बहुत ही हटके, बहुत ही मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है ये आपका इंडिया में, जो काफ़ी लोग वीवो सीरीज़ को पसंद करते हैं, वी सीरीज़ को। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया, इसमें फ्रंट कैमरा भी देख सकते हो, जो रिकॉर्डिंग करोगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 60fps में चलेगा, HD प्लस फुल HD 4K भी 60fps में चलेगा, जो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देगा। फ्रेंड्स इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ MediaTek Dimensity 8200 का मिलेगा, साथ ही आपका 4 नैनोमीटर के साथ आएगा। अंततः स्कोर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे मिल रहा 9,90,000 जो रहेगा कमाल का। साथ ही आपका ग्राफिक की बात करूँ यहाँ पे GPU के, तो माली G610 रहेगा MC6 Pro के साथ ये आएगा, जो कमाल का रहेगा। फ्रेंड्स इस फोन की बैटरी की बात करते हैं, 5000mAh का बैटरी मिल रहा है, 18W का फ्लैश चार्जर मिलेगा, जो कमाल का रहेगा, 50% आपका 22 मिनट में कर देगा, 100% 48 मिनट में कर देगा। और कंपनी का इस पर दावा है कि इसका जो बैटरी का लाइफ होगा 4 साल तक, जो बैकअप अभी मिल रहा है बाद में भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। फ्रेंड्स इसकी वेरियंट की बात करो तो इसमें 2 वेरियंट में आने वाला है, 8256, 12256, जो कमाल का रहेगा। करते हैं इसके साउंड टेस्टिंग, सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा और इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, जाऊंगा साउंड एंड वाइब्रेशन में। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जाना होगा मुझे रिंगटोन में, यहाँ पे फोन रिंगटोन में गया और कोई भी रिंगटोन में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो साउंड सुना रहा सिंगल स्पीकर है फ्रेंड्स, बट साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिम ट्रे को ओपन कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स डुअल सिम का ऑप्शन मिल रहा है, 2 स्लॉट रहेगा, दोनों स्लॉट आपका 5G के साथ ये आएगा।
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।